बड़े रूमर्स फैल रहे हैं जी, पाकिस्तान में आ गया, यूएस फिर आ गया, यूएस फिर आ गया, नहीं मिलेगी लिखवा लो बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग, मेरे सब ठीक होंगे, खुश होंगे, बात भी होंगे। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। मैं हाशिम, आज हम जिस वीडियो पर एक्शन करने जा रहे हैं वो होने वाली है मेजर गौरव आर्या एंड आरजे रौनक, इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बात किया जी। पाकिस्तान, वाई पाकिस्तान इज सो कंसर्न्ड अबाउट इसराइल, और क्या पाकिस्तान का सीन है इसराइल अमेरिका, सारी बातें की है मेजर गौरव आर्या ने। देख लेते हैं उनकी वीडियो, काफ़ी अर्से बाद मैं कर रहा हूँ, देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। 11 दिन के बाद सीज फायर हुआ, ये हाथी के दांत खाने के हैं या दिखाने के? भारत खुल के सपोर्ट क्यों नहीं करता इसराइल को? भारत की पॉलिसी थोड़ी सी गलत रही है और मैं अग्री नहीं करता भारत की पॉलिसी। पाकिस्तान को इतना क्या प्रॉब्लम हो गया इसराइल? ये पाकिस्तानी ना बेवकूफ है, ये ना थोड़ी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं। किसी ने आटे की बोरी दे दी तो ये लोग भांगड़े डालना कर शुरू में, इनको पता ही नहीं क्या है। सर, यूएस की बात करी आपने, लोगों को, लोग बड़े खुश हुए थे कि बाइडेन आ गए, ट्रंप चला गया और अब कोई असर पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बाइडेन भी उतने ही स्ट्रॉन्ग तरीके से इसराइल के साथ खड़ा है। सो कोई भी असर नहीं पड़ा, उनकी फॉरेन पॉलिसी एकदम क्लियर है, हथियार वगैरह भी दिया, फुल सपोर्ट। नहीं, नॉट ओनली दैट, मैं आपको बताता हूँ, ये पाकिस्तानी ना बेवकूफ है, ये ना थोड़ी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं। किसी ने आटे की बोरी दे दी तो ये लोग भांगड़े डालना कर शुरू में, इनको पता ही नहीं क्या है। देखिए, ऐसा इन्होंने हैशटैग चलाया था मुस्लिम्स फॉर बाइडेन, और पाकिस्तानियों ने कुछ चिल्लड़ वेल का लेकर $4-5 million भी बाइडेन के लिए इकट्ठा किया। बाइडेन किसका वाइस प्रेसिडेंट था? ओबामा का। ओबामा वो था जो बच्चों को गोद में लेके घूमता था, एक फैमिली मैन था, दो डॉटर्स थी, बीवी का हाथ पकड़ के चलता था, सब कुछ, एक परफेक्ट अमेरिकन फैमिली थी, राइट? लेकिन जब वो बच्चों के स्कूल में जाके बच्चों के साथ खेलता था, पीठ पीछे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक भी ओबामा ने करवाई है, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी ओबामा ने मरवाए हैं। एक पूरी की पूरी वेडिंग पार्टी थी ट्राइबल एरियाज में, अफगानिस्तान या पाकिस्तान में भूल रहा हूँ, वो पूरी की पूरी साफ कर दी, सलाला चेक पोस्ट साफ कर दिया, 25 पाकिस्तानी या 24 पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे सलाला चेक पोस्ट पे। ये सब अमेरिका ने ही करवाया है, और ये सब कितने 100 उसने पाकिस्तानी बेगुना ओबामा ने मरवाए एज प्रेसिडेंट, पर्सनली सैंक्शन करी ड्रोन स्ट्राइक्स, उसके बाद भाई गया और नोबेल पीस प्राइज भी लेकर आया। उसके बाद वो उसने अपने आप को पीस प्राइज भी दिलवाया कि मुझ जैसा अमन का पुजारी कोई नहीं है दुनिया में। और उसी का तो नंबर टू जो बाइडेन है, जो बाइडेन की, और ओसामा बिन लादेन को किसने मरवाया? ओबामा ने मरवाया। जो बाइडेन उसी का तो नंबर टू है, कितना पॉलिसी का डिफरेंस होगा, 19-20 का फर्क। अब देखिएगा जो बाइडेन क्या कर रहा है पता है आपको? अब जो बाइडेन बड़े प्यार मोहब्बत से बात करके पाकिस्तान से बोल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हमें बेसिस दो, एयर बेसिस दो, हम अफगानिस्तान से जा रहे हैं लेकिन एरिया में डोमिनेट करना है, ये पाकिस्तान के अंदर फिर घुस रहे हैं। तो ये सब, ये लोग, मैं इनके लिए ट्रंप बहुत अच्छा था, ट्रंप सिर्फ मुंह से बोलता था, सिर्फ ट्वीट करता था, ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करा नहीं। जो बाइडेन मीठा मीठा बोलेगा इनको, जो बाइडेन बोलेगा हम सब भाई हैं, दुनिया में एकता होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, और वहां पर जाके ड्रोन अटैक दोबारा शुरू होने वाले हैं इनके, ये होगा पक्का। सर, मेरे को पाकिस्तान का समझ में नहीं आ रहा है, वहां की पार्लियामेंट में से आवाजें उठ रही हैं कि पाकिस्तान अटैक करे इसराइल पे, ये कनेक्शन समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान को इतना क्या प्रॉब्लम हो गया इसराइल से, बॉर्डर भी शेयर नहीं हो रहा है, दूर भी है, ऐसा कोई रिलेशन भी नहीं है। जी जी, बॉर्डर शेयर नहीं हो रहा, कोई इनके साथ मसला भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इनकी। ये पाकिस्तान को इन्होंने क्या कराया है पाकिस्तानियों ने, और कुछ और मुल्कों के साथ भी ये प्रॉब्लम है, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल को या एक पॉलिटिकल फेस ऑफ को जिसको कहना चाहिए, जो इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक इख्तलाफात है, उनके ऑब्जेक्शंस हैं एक दूसरे के खिलाफ, यूनाइटेड नेशंस मैंडेटेड है मामला, ऐसी बात नहीं है कि ढका छुपा है, सबके सामने यूनाइटेड नेशंस में, उसको इन्होंने एक रिलीजियस रंग दे दिया। यही चीज पाकिस्तानियों ने कश्मीर में करी थी, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, राइट, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बेसिकली ये जो पूरी चीज इन्होंने करी वो पैलेस्टीन से इन्होंने ट्रांसप्लांट करके कश्मीर में डाल दी। पाकिस्तान को क्या है, पाकिस्तान को ये है कि जितने भी लोग हैं, एक असमा कदीर करके इनकी एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, इफ आई एम रिमेंबरिंग द नेम राइट, माफ कीजिएगा अगर कुछ नाम में गलती हो गई, असमा कदीर ये कहती हैं कि साहब मैं जाऊंगी जिहाद, वो नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर, जो उनकी पार्लियामेंट है, हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं, वो नेशनल असेंबली बोलते हैं, वहां पे कहती है जिहाद करो, मैं जाऊंगी जिहाद के लिए। कोई उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़ा होकर
ये कहता है कि एटम बम, दे आर ओपनली कॉलिंग फॉर न्यूक्लियर बॉम्ब। देखिए बात क्या है पाकिस्तान की, कि ये जो खातून हैं, जो लेडी हैं, जो कह रही हैं ना कि जिहाद करो, अब ये तो जाएंगे नहीं जिहाद, जाएंगे नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये तो रिटायरमेंट एज के आसपास हैं। दूसरी चीज ना, इनका बच्चा जाएगा, क्योंकि इनका बच्चा कहीं विदेश में पढ़ रहा होगा, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या कहीं पे, या इनकी, हाँ इनके बच्चे वेल सेटल्ड हैं, इन्होंने पाकिस्तान को नोच खाया, कौन जाएगा जिहाद पे? पाकिस्तान का गरीब जाएगा भरने के लिए। अजमल कसाब जो भारत में आया था, वो कौन सा पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन का बेटा था? वो कौन सा किसी पाकिस्तानी जनरल का बेटा था, या पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट, या पाकिस्तानी बिजनेसमैन, या न्यूज एंकर का बेटा था? वो तो हैंड टू माउथ रहने वाली एक फैमिली का था, डेली वेज लेबरर या कोई रेडी वेडी लगाता था, उसका बेटा था। तो ये क्या करते हैं कि खुद अपने बच्चों को भेजते हैं ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज पढ़ने के लिए, यूरोप भेजते हैं, अमेरिका भेजते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, और गरीब के बच्चे को बोलते हैं कि तुम कश्मीर चले जाओ, फिलिस्तीन चले जाओ। तो अब पाकिस्तान ने इसमें, अब पाकिस्तान को बहुत बुरा लगा कि ये बंद हो गया, ये पूरा सीज फायर हो गया, पाकिस्तान की तो अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। पाकिस्तान ये चाह रहा था कि किसी तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाए और बहुत जिहाद का माहौल खड़ा करे पूरी दुनिया में। अच्छा, अरब देश करना नहीं चाहते जिहाद, अरब देश बिल्कुल नहीं करना चाहते, वो अमीर लोग हैं, उनको क्या मतलब है, वो तेल के कुएं के ऊपर बैठे हैं वो लोग। तो इनका ये था कि किसी तरीके से उनकी जो स्ट्रीट है, उनके जो कॉमन लोग हैं, उनको इतना भड़का दें, लोग सड़क पे आ जाएं, फिर हमसे वो बोलेंगे साहब अपना रेटोरिक थोड़ा कम करें, अपनी बयानबाजी कम करें, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। पाकिस्तान ने बीच में सोचा कि हम थोड़ी सी दलाली खा लेंगे, थोड़ा सा बिचौलिया जो होता है मामला पाकिस्तान का वो खा लेंगे, चुप, अब बीच में सीज फायर हो गया तो इनकी दुकान फिर बंद हो गई पाकिस्तान की। ये टोटल केस है। थैंक यू वेरी मच सर, कम टाइम में बहुत सारी बातें आपसे हो गई। चल तो गाइज, ये थी वीडियो मेजर गौरव आर्या ने जो है वो एक्सप्लेन किया कि जी पाकिस्तान को क्या है जी ये जो यार ये जो सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को, तो इन्होंने जो कुछ बातें की उस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो पार्लियामेंट में लोग खड़े होकर बोल रहे होते हैं कि न्यूक्लियर वॉर कर दें, वहाँ जाएँ, जिहाद करें, सब कुछ करें, इनके बच्चे, इनका सब कुछ सिक्योर होता है, ये लोग बाहर पढ़ रहे होते हैं, बाहर सारा इनका सीन होता है, सेटल्ड होते हैं, वेल सेटल्ड होते हैं, और इधर आके सबको कह रहे होते हैं जी तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ। तो बिल्कुल यार मैं एग्री करता हूँ, पार्लियामेंट में बहुत करप्ट लोग हैं, पार्लियामेंट में ऐसे ही लोग हैं, मैं इनकी ये बात से एग्री करता हूँ। और जो इन्होंने शुरू में कहा कि जी वो ओबामा वाला, तो वो ओबामा का जब मुझे आइडिया हुआ था ना, पहले मैं कहता तो जी ओबामा बहुत, मैं कहता हूँ कमाल है, ओबामा तो पीस का, जिसको कहते हैं ना अमन का देवता है, पुजारी है, पीस का पुजारी है, और ये सब कुछ है, वो सारी बातें गलत हुई हैं, और सब बातें जो है वो जिसको कहते हैं ना गलत साबित हुई हैं। कि जो जब सबसे ज़्यादा मुझे लगता है अटैक जो है ना ओबामा ने करवाए हैं, और ये पीछे खाते हुए हैं, आगे से मुंह में मीठा बन भुन के पीछे से उसने अटैक करवाया, यही नीति रहेगी जो बाइडन की भी, मुंह पे सीधा बनेगा, पीछे से मुझे लगता है वो बेसिस की ट्राई कर रहा है, लेकिन बेसिस नहीं मिलेंगी। डायरेक्ट पाकिस्तान ने कह दिया बिल्कुल बेसिस नहीं मिलेंगी, पाकिस्तान ने इनकार कर दिया कि बिल्कुल यूएस को दोबारा इस जगह पे प्लेस कोई नहीं मिलनी, कोई जगह नहीं मिलनी, आराम से बैठो अपना, जिसके साथ आपका मसला है वहाँ जाके हल करो, पाकिस्तान में कोई जगह नहीं मिलनी। बड़े रूमर्स फैल रहे हैं जी पाकिस्तान में आ गया यूएस, फिर आ गया यूएस, फिर आ गया, नहीं मिलेगी, लिखवा लो बात, ठीक है। बाकी भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं ख्याल रखें, और वीडियोज़ अगर मेजर गौरव आ रही है कि सजेस्ट करना नीचे कॉमेंट में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं ख्याल रखें, और कुछ ही